सो गाइस कैमरा का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं। जहाँ पर दोस्तों हम कर रहे हैं किसी एक DSLR कैमरा का यूज़ फोटो वगैरह कैप्चर करने के लिए, या फिर दोस्तों हम कर रहे हैं हमारे स्मार्टफोन में लगे हुए कैमरा का यूज़, यहाँ पर दोस्तों आप लोग के दिमाग में एक चीज़ जरूर से आई होगी, जो कैमरा में दोस्तों हम देखते हैं पीछे की तरफ, तो वहाँ पर दोस्तों हमको दिखता है जो कैमरा का लेंस वो गोल दिखता है, राउंड शेप में दिखता है, लेकिन दोस्तों उससे जो फोटो कैप्चर होती है दोस्तों वो दोस्तों हमको दिखती है एक रेक्टेंगुलर शेप में। आखिर दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैमरा का जो लेंस है वो दोस्तों राउंड है, लेकिन जो फोटो उससे निकल के आ रही है वो दोस्तों यहाँ पर हमको रेक्टेंगुलर शेप में निकल के आ रही है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? यदि आपको दोस्तों जानना है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए, आपको आंसर मिलने वाला है। सो हे गाइस, दिस इज शुभम, वेलकम टू माय चैनल द टेक्निकल नॉलेज, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सो कैसे इस क्वेश्चन का मैं आपको सिंपल सा आंसर दूं, तो इसके पीछे जो रीजन है, जो वजह है, वो है दोस्तों कैमरा में लगा हुआ कैमरा सेंसर। अब दोस्तों आप सोचिए कैमरा सेंसर क्या होता है, चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों ऊपर हम जब कैमरा में देखते हैं तो वहाँ पर हमको दोस्तों गोल राउंड शेप में लेंस दिखता है, कैमरा लेंस दिखता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी दोस्तों एक इमेज बनाता है अंदर, और वो जो इमेज बनती है वो बनती है दोस्तों यहाँ पे कैमरा सेंसर के ऊपर। अब ये जो कैमरा सेंसर होता है दोस्तों, ये इस इमेज को दोस्तों यहाँ पे डिजिटली कन्वर्ट करता है, और दोस्तों उसके बाद वो आगे प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है। मतलब कैमरा सेंसर का काम होता है इस इमेज को डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब दोस्तों ये जो कैमरा सेंसर होता है जिसके ऊपर हमारा जो कैमरा का लेंस है वो इमेज बनाता है, तो वो जो कैमरा सेंसर वो दोस्तों यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में होता है। अब क्योंकि एक कैमरा सेंसर रेक्टेंगुलर शेप में है, तो पूरे सेंसर के ऊपर जो भी इमेज बनेगी वो भी दोस्तों रेक्टेंगुलर शेप में ही बनेगी, और उसको जब वो डिजिटली कन्वर्ट करेगा तो वो भी दोस्तों यहाँ पर जो इमेज फाइनल आउटपुट बनेगा वो भी दोस्तों रेक्टेंगुलर शेप में ही बनेगा। तो इसका दोस्तों सिंपल सा जो रीज़न है वो है दोस्तों कैमरा के अंदर लगा हुआ कैमरा सेंसर, जिसका कि जैसा भी उसका शेप रहेगा, चाहे यदि हम कैमरा सेंसर को राउंड बना देंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो फाइनल आउटपुट है वो भी राउंड ही निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग सोचिए कि हम यहाँ पे एक टीवी में मूवी देखें, तो दोस्तों यदि वो राउंड शेप में देखें तो कैसा लगेगा? ऑफकोर्स दोस्तों यहाँ पर हमारी आईज को दोस्तों सबसे अच्छा लगता है रेक्टेंगुलर शेप, तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा जो लेंस होता है उसको भी रेक्टेंगुलर ही बनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जब कैमरा सेंसर को हमको रेक्टेंगुलर बनाया है तो ये ठीक है, हमारी आंखों को रेक्टेंगुलर शेप से ही लगता है, तो कैमरा सेंसर रेक्टेंगुलर है, लेकिन जो लेंस है उसको भी हम रेक्टेंगुलर क्यों नहीं बनाते थे, वो राउंड में क्यों होता है? तो इसके पीछे दोस्तों कुछ वजह है। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहली वजह ये होती है कि जो कैमरा का लेंस होता है वो राउंड शेप में होता है, तो उससे क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को दोस्तों टिल्ड करके बेंड करके कैमरा सेंसर के ऊपर भेज सकता है। और सेकंड दोस्तों रीजन होता है वो होता है दोस्तों इसकी कॉस्ट। यदि दोस्तों यहाँ पर राउंड शेप में बनाते हैं कैमरा लेंस को, तो उसको बनाने के लिए कॉस्ट दोस्तों कम पड़ती है और बनाना भी ईजी रहता है। लेकिन यदि हम इसी कैमरा लेंस को हम रेक्टेंगुलर शेप में बनाए, तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ी सी टफ प्रोसेस हो जाएगी, इसमें जो लगने वाला पैसा दोस्तों कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कैमरास हैं उनकी भी दोस्तों ओवरऑल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों ये है कुछ रीज़न जो कि मैंने आपको बताया कि आखिर क्यों यहाँ पे राउंड शेप में होता है हमारा कैमरा लेंस, लेकिन जो फाइनल आउटपुट इमेज निकलती है वो दोस्तों रेक्टेंगुलर शेप में क्यों होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका भी दोस्तों कुछ टेक या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपका दोस्तों क्वेश्चन अच्छा हुआ तो उसके ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बनाऊंगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिए, और दोस्तों बेल आइकन दोस्तों उसको प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।